इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 29 मरीज कोरोना पॉजिटिव राजस्थान से और दर्ज किए गए। दोपहर 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 29 कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए। अजमेर जिले से 11, जयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और साथ ही में बांसवाड़ा, जूटपुर, धौलपुर, कोटा और उदयपुर में भी 1-1 कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,393। राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 29 मरीजों की बढ़ोतरी। अजमेर में 11, राजधानी जयपुर में 8, चित्तौड़गढ़ से भी 5 कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा बांसवाड़ा, जोधपुर, धौलपुर और कोटा, साथ ही उदयपुर से 1-1 कोरोना के पॉजिटिव। कुल मिलाकर 29 मरीज 2 बजे तक की रिपोर्ट में अधिक राजस्थान में दर्ज कर लिए गए। 2,393 हो गया है आंकड़ा। पूरे राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ। प्रदेश भर में यहां पर कोरोना के 28 जिलों में पैर पसार चुका है संक्रमण और 28 जिलों में ही लगातार आए दिन यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 29 मरीजों की बढ़ोतरी राजस्थान से दर्ज की गई। 2,993 पहुंच गया है आंकड़ा पूरे राजस्थान से। जो मरीजों का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 52 लोगों की अब तक प्रदेश भर से मौत भी हो गई है। 51 था वो आंकड़ा कल तक और 52 आज भी प्रदेश में। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, काफी ज्यादा यहाँ पर स्थिति अब गंभीर हो चली है, लगातार जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 29 मरीज, क्या अपडेट है इसके अलावा? जी, जैसी बताना चाहूंगा कि जो 2 बजे की ताजा रिपोर्ट आई उसमें 10 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें बात करें चित्तौड़गढ़ में 5, जयपुर में 3, धौलपुर, कोटा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और वहीं बात करें 2 बजे तक आज कुल 29 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं और कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर प्रदेश में 2,393 हो चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है, जो ग्राफ है, वो अब धीरे गति से बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले इनकी जो लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही थी, अब दूसरे लॉकडाउन यानी कि 15 अप्रैल के बाद में उस ग्राफ लगातार गिरावट नजर आ रही है, एक अच्छी खबर कही जा सकती है। साथ ही मैं बताना चाहूँ जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हुआ है, वही कोरोना से जो नेगेटिव रिपोर्ट हुई है, जो ठीक हो रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। और अब 781 की जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जिनमें से 584 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो भी एक अच्छी खबर कही जा सकती है, जो राहत की खबर है। साथ ही साथ बताते हुए जो चूरू और बीकानेर कोरोना मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि चूरू में 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, उनमें से 14 के 14 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, साथ ही साथ 12 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं बीकानेर में 35 कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनमें से 1 की मौत हो गई थी और 36 कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब चूरू और बीकानेर में नहीं है, वहाँ एक्टिव केस एक भी नहीं है। ऐसे में लगातार जिस तरह से चिकित्सा विभाग काम कर रहा है, वो उसका जो असर है जो सामने नजर आ रहा है। जयपुर में बीते 2 दिन से कोई खास आंकड़े कोरोना पॉजिटिव को सामने नहीं आया, तो एक अच्छी खबर जयपुर के लिए भी कही जा सकती है। बात करें तो जोधपुर में भी कोरोना पॉजिटिव का केवल एक केस आया है और वहाँ पे भी 401 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। ऐसे में जो कोरोना का ग्राफ है लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। प्रदेश से आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,393 का आंकड़ा यहां पार कर चुकी है।